नमस्कार। हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि शैवाचार्य महेश्वराचार्य स्वामी राम जी की जयंती से हम लगातार विभिन्न विषयों पर व्याख्यान आयोजित करते आ रहे हैं, और परवैरव की कृपा से आज तक वो यात्रा चल रही है, जिसमें विभिन्न विषयों पर यहाँ पर देश के विदेश के अपने मनीषियों ने, स्कॉलरों ने विचार रखे, जिसमें हिमालय के ऊपर, सामरिक विषयों पर, कश्मीर संबंधी शैव दर्शन पर और भारतीय ज्ञान परंपरा पर विभिन्न व्याख्यान हुए। आज ललिता त्रिपुर सुंदरी जयंती के उपलक्ष्य में हमारे मन में था कि कुछ ऐसा व्याख्यान हो जिससे हम इस सारे जो ज्ञान के ऊपर, ज्ञान परंपरा के ऊपर वार्ता करें, और हमारे मस्तिष्क में एक ही नाम उभर कर आया, वो था हमारे परम मित्र भी, सखा कहिए, जो मर्जी समझिए, भगवान की कृपा से हमारे भाई भी, कि श्री गिरिरत्न मिश्रा जी, जो लगातार शोध भी करते आ रहे हैं और साधना भी करते आ रहे हैं, और बड़े विनम्र भाव से पर भैरव की कृपा उन पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, माता ललिता का आशीर्वाद बना रहे। और गिरिरत्न जी आज काम कला विलास श्री विद्या साधना पर बात करेंगे, अपने विचार रखेंगे। और गिरिरत्न जी के बारे में तो ये कहूंगा कि उनके ऊपर शक्तिपात है, उनके गुरुओं का आशीर्वाद है, और वो एक इंजीनियर होने के बावजूद वो केवल नाम के तंत्र साधना नहीं कर रहे हैं, वो यंत्र साधना भी कर रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से इंजीनियर भी हैं, और भगवान की कृपा से, और सबसे बड़ी बात, जो उनके जो गुरु हैं अघोरेश्वर भगवान राम जी, उनकी दिव्य दृष्टि से, उनके शक्तिपात से वो आज तक लगातार काम करते आ रहे हैं। विभिन्न तंत्रों के ऊपर उन्होंने टीकाएं भी की, और तंत्र लोक पर अभी उनका जो संग्रह आया उस पर भी मैंने उनको देखा, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, कर रहे हैं। उसके बाद भूत डामर तंत्र पर भी, जो मैंने खुद भी पढ़ा है, और लगातार एक स्वयं सेवक जैसे भाव से, बिना किसी, मैं कहूंगा कि जैसे एक हम्बल, एक बड़े विनम्र साधक की तरह, श्री चरणों में, भगवान के चरणों में से एक पुष्प की तरह अर्पित करते जा रहे हैं। इसलिए हमारे भी बड़े प्रिय हैं, और भगवान उनके ज्ञान में, उनकी साधना में उन्नति करे। उनसे मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि गिरिरत्न जी, ललिता त्रिपुर सुंदरी जयंती के उपलक्ष्य में आप काम कला विलास पर अपना पक्ष रखें, और माता त्रिपुर सुंदरी की कृपा से, जो आपके श्री मुख पर बैठी हैं, विराजमान है, आपका मार्गदर्शन कर रही हैं, आप ये ज्ञान कुसुम सारे श्रोताओं के समक्ष रखें और सबको लाभान्वित करें। आदरणीय भाई गिरिरत्न मिश्रा जी। धन्यवाद। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः, जानामि धर्मं न च मे निवृत्तिः, त्वया स्वामिनः हृदि स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। अन्तराय तिमिरौघ शान्तये स्वेष शक्ति करुणा अरुणा प्रभं संतनोतु मुनिवृन्द सेवितं भावगम्यं अनिशं शिवं महः। करुणापूरिचित्तां सच्चिद्रूपां परां दिव्यां ब्रह्म सहचरीं तुर्यां बगलां शक्तिं प्रणौमि सौभाग्यां। आज भगवती श्री विद्या के, श्री महात्रिपुर सुंदरी के प्राकट्य दिवस के अवसर पर मुझे जो श्री काम कला विलास के ऊपर, श्री विद्या साधना के ऊपर बोलने का यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यह निश्चित रूप से उन्हीं की ही कृपा है। सर्वप्रथम भगवती का जो मूल स्वरूप है वह क्या है, यह जानने की आवश्यकता है कि श्री विद्या मूल रूप से श्री विद्या क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो श्री और विद्या दो हैं। यूं तो भगवती का नाम कामेश्वरी भी है, राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, त्रिपुरेशी, त्रिपुर सुंदरी, लेकिन जब श्री विद्या की बात से लेकर के चल रहे हैं तो मूल रूप से भी श्री विद्या यह नाम क्यों है, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे। इस विचार को करें इससे पहले मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हम एक या दो पक्ष तो देख सकते हैं, लेकिन श्री विद्या को श्री विद्या क्यों कहते हैं इसके संपूर्ण पक्ष का आलोड़न कर ही नहीं सकते। वक्त्र कोटि सहस्रेषु जीवा कोटि शतैरपि, अगर
1,000 करोड़ मुंह हो और हर मुंह में 100-100 करोड़ जिह्वाएं हो तो भी भगवती के स्वरूप की व्याख्या हो ही नहीं सकती। इनका तो केवल साक्षात्कार होता है, अनुभूति होती है और यही अनुपाय की अवस्था में की सिद्धि है। अनुपाय की अवस्था में इन्हीं के साक्षात्कार और अनुभूति की सिद्धि होती है। एक दो स्वरूप का ज्ञान हो जाने से बस वही होता है कि हाँ ठीक है स्पर्श कर लिया, नहीं तो भगवती तो स्वयं अनादि अनंत है। तो सर्वप्रथम विद्या का अगर हम विद्या शब्द को देखें तो विद्या क्या है, इसको जानने के लिए विद्या और ज्ञान के भेद को समझना पड़ेगा। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान कुछ इस प्रकार से है, उदाहरण दूं तो ऐसे मृत्युंजय मंत्र है, तो मृत्युंजय मंत्र का जप करने से आयु में वार्धिक्य सिद्धि होती है। गायत्री मंत्र है, उसके गायंतम त्रायति सा गायत्री, गायत्री मंत्र के गान से हमारा त्राण होता है, हमारे पापों का क्षरण होता है, ज्ञान मार्ग की तरफ हम बढ़ते हैं, ये तो ज्ञान हो गया। लेकिन लेकिन ऐसा क्या है मृत्युंजय मंत्र में या गायत्री मंत्र में, वह क्या तत्व है जिसके कारण कि मृत्युंजय मंत्र आयुष वार्धिक्य करता है और गायत्री मंत्र से हमें ज्ञान की हमें हमें क्या कहते हैं त्राण की सिद्धि होती है, आयुष सिद्धि और त्राण की सिद्धि इनसे क्यों होती है? तो वह जो तत्व इनमें विराजमान है जिसके कारण मृत्युंजय मंत्र से आयुष सिद्धि और गायत्री मंत्र से त्राण सिद्धि होती है वह तत्व विद्या है। मृत्युंजय मंत्र के अंदर जो मात्रिकाओं का जो परम्यूटेशन कम्बिनेशन है, जो परा पश्यंती मध्यमा वैखरी से होते हुए यहां तक पहुंचा है और परावाणी में जो अहम प्रत्यय उमर्श है उसका जो ये विशेष प्रकार का विमर्शन मृत्युंजय मंत्र के स्वरूप में हो रहा है, तो जो अहम प्रत्यय है वही विद्या है। तो जब महात्रिपुर सुंदरी के संदर्भ में हम बात करते हैं और जब श्री विद्या की बात करते हैं तो अहम प्रत्यय, क्योंकि ये तो सर्वतोमुखी विमर्शन है, क्योंकि इसका तो ऐसा नहीं केवल यही करता ये नहीं करता, कहीं सृष्टि करता कहीं संहार कर रहा है कहीं संचालन कर रहा है कहीं पुरोधान कहीं अनुग्रह कर रहा है। लेकिन जब इससे सौभाग्योदय हो रहा है, इससे उदय हो रहा है, तब इस अहम प्रत्यय से जब उदय हो रहा है सौभाग्योदय हो रहा है हमारी हमें शुद्धत्वा और अशुद्धत्वा दोनों पक्षों में हमें क्या कहते हैं सिद्धियां सिद्ध हो रही प्राप्त होती हैं, तो वो श्री विद्या कहलाती हैं। इसीलिए कहा गया है यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः, यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षः, श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। कहने का तात्पर्य है कि कुछ देवताओं की जब साधना करते हैं तो वहां पर मोक्ष की सिद्धि तो होती, भोग की सिद्धि नहीं होती। कुछ देवता ऐसे हैं जिनकी साधना करो तो भोग की सिद्धि होती, मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। जैसे ग्रह इत्यादि हैं, गरुण इत्यादि तमामो देवताओं हैं, देवता हैं जिनके मंत्रों का जाप इत्यादि करने साधना करने से, शनि इत्यादि जिनकी साधना करने से भोग की तो सिद्धि होती लेकिन मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। लेकिन क्योंकि श्री विद्या में जो अहम प्रत्यय होता है शुद्ध अशुद्ध अध्वा में परस्पर सम्यक और समान रूप से होता है, तो इस कारण से क्या होता है कि जो भोग माने अशुद्ध अध्वा में जो भोग की भोग कामनाएं होती हैं, जो ऐन्द्रिक कामनाएं होती हैं, उनकी भी सिद्धि कराता है और शुद्ध अध्वा में जो हमारी परमार्थ सिद्धि की यानी खेचरी साम्य जिसको हमारा भैरव समावेश की बात कही गई है उसकी भी सिद्धि कराता है। तो इसीलिए ये श्री विद्या का ये बड़ा ही वैशिष्ट्य है कि ये सम्यक रूप से हर क्षेत्र में सर्वतोमुखी हमारा वर्धन करती है, और क्योंकि ये वर्धन ही वर्धन करती है, ये पूर्ण चंद्रमा स्वरूपा है, इनमें प्रच्छाव नहीं होता, इसलिए षोडशी कला भी कहा गया है, क्योंकि इनमें कोई जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं लेकिन इनमें कुछ घटता बढ़ता नहीं है, इसीलिए क्योंकि इनमें सतत उदित होती रहती हैं, इसीलिए इनके ध्यान में अरुणाम करुणा तरंगिताक्षिण धृत पाशांकुश पुष्प बाण चापाम अड़िमादि भिरामृतामयुखैर अहम इत्येव विभावये भवानी। उद्यत अरुण माने उगते हुए सूरज के समान, जैसे सूरज उगता सूरज सतत पढ़ता रहता है, उसी के समान सतत श्री विद्या साधक की उन्नति होती रहती है, और वो ऐसा नहीं कि केवल मोक्ष मार्ग में, भोग मार्ग में भी उसकी सतत उन्नति होती रही है, होती रहती। आप चाहे या ना चाहे आप सन्यासी वर्ग को देखेंगे, जिन ऐसे ऐसे सिद्ध सन्यादि शंकराचार्य हैं, स्वामी लक्ष्मण जी हुए, हमारे पूज्य गुरुदेव हुए, इन लोगों की कोई इस प्रकार की सांसारिक इच्छाएं नहीं थी लेकिन इनको यश ऐश्वर्य इत्यादि सब कुछ सिद्ध हुआ है। इनका यश ऐश्वर्य
इतना अपरिमेय है कि उसकी गणना नहीं की जा सकती, आप किसी से तुलना नहीं कर सकते कि देखिए ये ऐसे हुए, ये ऐसे। आदि शंकराचार्य की क्या तुलना है, अभिनव गुप्त की क्या तुलना है, कोई तुलना नहीं। इनका इनका अतुलनीय यश ऐश्वर्य है, इनकी इनकी जो ब्रह्म संपदा है वो अतुलनीय है। तो ये क्या है, ये श्री विद्या का प्रभाव है। तो भगवती इन भृगुवल्ली में कहा गया है तैत्तिरीय उपनिषद के, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, माने ये समस्त भूत जिससे उत्पन्न हो वो श्री विद्या है। तो दूसरा तात्पर्य ये ले कि भगवती श्री विद्या वो है जो समस्त सृष्टि का उद्भव करती है। जब ये उद्भव करती हैं तो ये षोडशी कला स्वरूपा उद्भव करती हैं, और उद्भव करने के बाद जब इसका संचालन करती हैं स्वयं पीताम्बरा हो जाती हैं। यहाँ एक बड़ी सुंदर चीज आपको बताना चाहूंगा, मत्स्येन्द्रनाथ जी ने काम कला तत्व की कौल ज्ञान निर्णय में व्याख्या की है, और वहां पे कहा है कि काम कला तत्व की सिद्धि से स्तंभिनी शक्ति, स्तंभन की सिद्धि यानी स्तंभिनी शक्ति की सिद्धि होती है, स्तंभिनी शक्ति पीताम्बरा है। तो माने केवल उद्भव ही नहीं, ये सृष्टि अवस्था में भी हमारा उद्धार करती है, हमारा ये हमें सब कुछ तो ठीक है भाई, सृष्टि अवस्था में उद्धार करने के माने कि सांसारिक भोग साधन के साथ साथ पारमार्थिक जो हमारा ऐहिक आमुष्मिक इत्यादि जो कुछ भी है सब कुछ हमको सिद्ध कराती है। और इतना ही नहीं, जब प्रलय अवस्था आती है तो भगवती उसमें भी व्याप्त है। आपको काम कला काली का श्री काम कला काली का वर्णन हो आप सब लोग जानते होंगे, तो काम कला काली के रूप में भी भगवती, यही भगवती विराजमान है। और ऐसा नहीं कि मैं कह रहा, काम कला काली की जब आप साधना करेंगे तो शोढ़ा न्यास में वहां पर 51 देवियों के ध्यान की बात आती है, तो वहां महात्रिपुर सुंदरी का जो ध्यान आया है उसमें नीचे महाकाल ने स्वयं वर्णन किया है। महाकाल का ही कथित काम कला श्री महाकाल संहिता है। आदि भगवान आदिनाथ स्वयं वर्णन करते हैं कि जो महात्रिपुर सुंदरी यही मूल रूप से समस्त रूपों में व्याप्त है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्वयं भगवती श्री विद्या यहाँ पर, अगर आप देखें कि सृष्टि वाद स्थिति और संहार भी अगर कहें तो संहार भी एक प्रकार से उद्भव ही है, क्योंकि ये जो संहार है ये अगली अगले उद्भव की पूर्व पीठिका है। इस संहार के ही आधार पर अगला उद्भव होना है, अगर यह संहार नहीं होगा तो नई सृष्टि का उद्भव कैसे होगा। इसलिए संहार कामकला स्वरूप में भी भगवती जब, या काली स्वरूप में भगवती जब संहार भी करती है, निबिड़ा अवस्था में व्याप्त रहती हैं, तो वो पूर्व पीठिका है अगले उद्भव की। तो इस प्रकार से ये भगवती श्री विद्या का स्वरूप होता है। अब थोड़ा सा काम कला और विलास के ऊपर अगर हम प्रकाश डालें, तो काम की व्याख्या भी हम, क्योंकि हम त्रिकमत से ही चलते हैं और ये काम कला विलास मूल रूप से त्रिकमत का ही ग्रंथ है, उसी सिद्धांत पर आधारित है, तो इसलिए उन्हीं के सिद्धांतों पर हम लेके चलेंगे, शैव सिद्धांतों को ही लेके चलेंगे। तो काम, काम जो है शुद्ध अशुद्ध द्वा में सम्यक रूप से व्याप्त है, ये सम्यक रूप से व्याप्त है, क्योंकि ये जो स्वयं भगवती स्वरूप है आगे ये सब चर्चा में आएगा। तो अशुद्ध काम क्या है, मूल रूप से एक आकर्षण, एकदम जो भी व्याख्या यहाँ हम कर रहे हैं एकदम जन सामान्य के लिए व्याख्या कर रहे हैं, इसमें कोई भी बहुत विशिष्ट व्याख्या करने का प्रयास नहीं, जिससे कि जन सामान्य समझ सके कि श्री विद्या साधना में कामकला तत्व का क्या अर्थ है, तो काम कला विलास का क्या अर्थ है। तो काम जो है, जब हम काम की बात करते हैं तो अशुद्ध अध्वा में काम का आकर्षण कैसे होता है, ऐन्द्रिक आकर्षण होता है। सबसे पहले देखा, देखने की इच्छा जागृत, देखा तो फिर स्पर्श की इच्छा जागृत हुई, अगर खा सकते हैं तो फिर हमारा उसको ग्रहण करने की इच्छा जागृत हुई, हमने उसका जब स्पर्श किया अगर उसको सूंघ सकते सूंघने की इच्छा जागृत हुई, उसमें कुछ संगीत इत्यादि सुनने की इच्छा जागृत हुई, और इससे आगे तो जननेन्द्रिय की भी इच्छाएं जागृत होती हैं। तो ये काम का अशुद्ध अध्वा का स्वरूप है। यही काम शुद्ध अध्वा में क्या होता है, शुद्ध अध्वा में ये जो काम होता है, यह काम परमेश्वर शिव के अंतर्गत जो व्याप्त है, उनके शिवता का जो परमेश्वर शिव के अंदर उनकी शिवता के प्रति जो आकर्षण है, कि शिव शिव हैं और शिव बने रहें, ऐसा जो उनके अंदर सतत आकर्षण जागृत होता है, वो काम होता है। अब यहाँ एक बड़ी समझने वाली बात है कि क्योंकि, अच्छा पहले मैं ये बता दूं, यहाँ जब शिव और शक्ति की बात कर रहे हैं तो इस अवस्था की, जिस अवस्था की हम बात कर रहे हैं, इसमें ना तो शिव कोई पुरुष है ना शक्ति कोई स्त्री है। ये तो यजुर्वेद में भी कहा गया ऊर्ध्वलिंगाय नमः,
ये लिंग से परे हैं, इनमें इनमें त्रिलिंगता भी है और लिंग से परे भी है। तो यहाँ पे अगर हम शिव की बात करें तो पुरुष नहीं समझना है, शक्ति की बात करें तो शक्ति को स्त्री नहीं समझना है। यह सब बहुत बाद जब विश्वमय अवस्था हो जाती है, अकुलस्या से देवस्य कुल प्रथनशालिनी, तब जाकर के बात आती। अभी क्या है, ये अनुत्तर अवस्था की बात है, या समझ लीजिए एकदम पश्यंती अवस्था की बात है, एकदम अभी सृष्टि का उद्भव हुआ ही नहीं है, उस अवस्था की बात है। क्योंकि शिव ने, शिव उस काम शक्ति का शिव के ऊपर कभी प्रभाव नहीं होता, शिव स्वयं उसको अपने अंदर उत्पन्न करते हैं और फिर शांत कर लेते हैं, यानी उद्योत अवस्था में उस काम को उत्पन्न करते हैं जिससे कि उनको उनका अपनी शिवता के प्रति आकर्षण आए और फिर उसको शांत कर देते हैं। तो उस आकर्षण से शिव के अंदर सतत मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, इस प्रकार का स्पंदन होता रहता है। क्योंकि ये काम शिव का ही के अधीन है, इसलिए शिव कामेश्वर कहे जाते हैं। और क्योंकि ये जो काम है, ये जो आकर्षण उत्पन्न करते हैं, शिव स्वयं नहीं करते, यह उनकी शक्ति करती है। क्योंकि शक्ति कर रही है तो वो भी काम के अधिष्ठात्री देवता है, इसलिए वो कामेश्वरी कही जाती है। तो कामेश्वर और कामेश्वरी और ये काम, तो शुद्ध अध्वा में जो काम है मूल रूप से, शिव अपनी शिवता का के प्रति जो उनका जो शिवता के भी ये इतना उद्दाम होता है, इतना उद्दाम होता है कि अगर जब आप साधना करते हैं, श्री विद्या मंत्र जाप करते हैं, तो ये एकदम स्फुरित होकर के आता है। ये व्याख्यातीत है, क्योंकि इंद्रियातीत काम है, ये इंद्रियों से द्वारा अधिग्रहित नहीं हो सकता। इस काम को आप इंद्रियों से नियंत्रित कर आप जान ही नहीं सकते। केन उपनिषद में भी कहा गया है, अजानतो भी जानता, गुरु दो शिष्य से पूछते हैं भाई तुम जानते हो, कहा तुम जानते हो, एक ने कहा जानता हूँ, कहा तुम नहीं जानते हो, दूसरे ने जिसने कहा मैं नहीं जानता उससे कहा तुम जानते हो। ये अनुभूति का विषय है, ये अनुभूति का विषय। तंत्रालोक के द्वितीय आहनिक में आचार्य अभिनव गुप्त ने भी इस बात को कहा है कि अनुपाय वसन भाई ये इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, ये तो अनुभूति का विषय है, तो इसको अनुभूत किया जा सकता है। तो कामेश्वरी और कामेश्वर का जो यह सतत संबंध है, और कामेश्वर के अंदर अपने कामेश्वरत्व के प्रति जो आकर्षण है, वो यह काम है। इस काम से कि जो कामेश्वरी है, वो फिर जब एकवाम बहु श्यामा भाव में, जब द्वैत भाव में पहले आती हैं, तो शिव के लिए अकुलस्यास्य देवस्य कुल प्रथनशालिनी, ऐसा आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं। तो उस कामेश्वर के लिए जब वो सृष्टि की उत्पत्ति करती हैं, तो शांता, विद्या, प्रतिष्ठा, निवृत्ति इत्यादि कलाओं के रूप में वो अवतरित होती हैं। आचार्य अभिनव गुप्त ने अष्टामहानी से लेकर के आगे काफी लंबा इसके संदर्भ में विमर्श किया है, और अष्टामहानी में तो स्पष्ट रूप से दिखाया है कि निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांता, और यहाँ तक शांता सीता कला तक का, कि इन कलाओं में किस प्रकार से, इन कलाओं में किस प्रकार से 36 तत्वों की समष्टि है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कामेश्वर जो कि अपने कामेश्वर के प्रति आकर्षित हैं, उनकी कामेश्वरी उनके विलास के लिए जब 36 तत्वों से की समष्टि से युक्त इस चराचर जगत का, जिसमें 14 भुवन हैं, 36 तत्व हैं, ऐसे चराचर जगत की उत्पत्ति करती हैं, तो वह जो विलास है वह कामकला विलास कहलाता है। तो कामकला विलास की यह जो, अब यह कामकला जो है इसके तीन हैं स्वरूप हैं, अलग अलग व्याख्या गंधर्व तंत्र में आया है कि दो ही हैं, स्थूल और सूक्ष्म कहा गया, जिसमें सूक्ष्म स्थूल को तो आपका सामान्य जो कि हम अभी आगे व्याख्या करेंगे उसको कहा गया है, और सूक्ष्म रूप से उनको कुंडलिनी स्वरूपा कहा गया है, इस प्रकार की व्याख्याएं की गई हैं। और लेकिन क्या है कि कामकला विलास में तीन स्वरूपों का वर्णन किया गया है, पर, सूक्ष्म और स्थूल। तो पर रूप से जो अहम है, अहम जिसमें शिव और शक्ति अविना भाव रूप से सामरस्यात्मक अवस्था में विराजमान है, यहाँ शिव और शक्ति में अभेद है ही नहीं। ये कुछ इस प्रकार से है कि दो तालाब आपस में एकदम मिल गए हैं और उनका संगम हो गया है, और अब उसमें कोई बता ही नहीं सकता कि जल की कौन सी बूंद या जल का कौन सा अणु किस तालाब का है, ऐसी अवस्था। और उस अहम अवस्था में जब वो विमर्शन करते हैं अपना, तो वो जो होता है कामकला का सबसे पर स्वरूप होता है,
यह पर स्वरूप ही जो है, और इसके बाद फिर स्थूल रूप में वो त्रिकोण स्वरूपा भगवती होती है, हार्द कला फिर महाबिंदु बन जाता है, इस प्रकार से जो स्वरूप होता है, और स्थूल रूप में जो होता है त्रय स्वरूप हो जाता है। तो जितने भी प्रकार के त्रिक हैं, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, आपका सामवेद, इच्छा ज्ञान क्रिया, सृष्टि स्थिति संहार, आपका जागृत स्वप्न सुषुप्ति, आपके त्रिलिंग, इतरलिंग इत्यादि, बाणलिंग, स्वयंभू बाण और इतरलिंग इत्यादि लिंग, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, इस प्रकार से जो व्याप्ति है। तो इसीलिए आपने देखा होगा पंचदशी में या आपका साम पंचाशिका में भी त्रयी की व्याख्या की गई है। वहां त्रयी से इसी काम कला के स्वरूप को ही लेना चाहिए। और आपको यह बताएंगे, अभी आगे बताएंगे कि जो सूर्य साधना है, जो सौर हमारे पांच संप्रदायों की बात कही आदिशंकराचार्य ने, सौर, वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणप और सौर, तो सौर संप्रदाय जो है उसमें जिस सूर्य की साधना की जाती है वो कामकला विलास का ही एक स्वरूप है। इसमें महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी ने बड़ी विस्तृत व्याख्या लिखी है। तो इन विषयों के पश्चात जो कामकला तत्व का, यूं तो बहुत से ग्रंथों में व्याख्या है, लेकिन इस संदर्भ में एक ग्रंथ स्वतंत्र रूप से जो लिखा गया है उसका नाम है कामकला विलास। तो कामकला विलास में कुल मिलाकर के 54 कारिकाएं हैं, 54-55 कारिकाएं। तो उन कारिकाओं का जो मूल तथ्य है वो यही है कि कैसे शिव शक्ति जो कि अनुत्तर अवस्था में एकदम शांत भाव में विराजमान है, वो किस प्रकार से सृष्टि का उद्भव करते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि किस प्रकार से कामेश्वरी पंचदशी मंत्र के स्वरूप में, जो कि हादि और कादि क्रम से दोनों लिया है, और उसके उसके पश्चात श्रीयंत्र स्वरूप में, और फिर गुरु शिष्य पद पर स्थित होकर के किस प्रकार से भगवती स्वतः अपने आप को इस संसार में भाषित करती हैं। यह भी सिद्धांत सही है, मात्र लिप्ते ही देवत्य तत्र 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 वपुशलम प्रमाता, स्वयं शक्ति स्वरूप धारण करके संसार में विभिन्न रूपों में व्याप्त होते चले जाते हैं। तो यहाँ परमेश्वर से कामेश्वर स्वयं कामेश्वरी हैं, और हमारे गुरुदेव ने तो हमें यहाँ तक बताया है कि जो कामेश्वर और कामेश्वरी के, ये बहुत ही गूढ़ बात है फिर भी कह रहा हूँ, कामेश्वर और कामेश्वरी का जो ऐक्य जान जाता है वही महामहेश्वर कहलाता है। जिसको कामेश्वर और कामेश्वरी के ऐक्य की सिद्धि हो जाती, जानना माने थ्योरेटिकल रूप से तो जान ही गए कि हम जो है वो परमेश्वर कामेश्वर कामेश्वरी का एक स्वरूप है और दो तालाब है और दोनों अलग अलग, ऐसे नहीं, साधना स्वरूप से जिसको ये सिद्ध हो जाता है, अनुभूत हो जाता है, वही महामहेश्वर की अवस्था का साधक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि महामहेश्वर वही है जिसको पूर्ण रूप से कामकला सिद्धि हो गई है। तो हमारा यह जो ग्रंथ कामकला विलास है, यह कई सारे रूपों में प्रस्तुत उभर करके सामने आता है, क्योंकि इसमें सिद्धांत और साधना दोनों पक्ष हैं श्री विद्या के। तो ये त्रयपुर सिद्धांत का भी स्थान लेता है। जब श्री विद्या में दीक्षा दी जाती है तो साथ में एक उपदेश दिया जाता है जिसको त्रयपुर सिद्धांत कहा जाता है। तो यह कामकला विलास त्रयपुर सिद्धांत का भी स्थान लेता है। कौल साधना का तो इसमें रहस्य भरा ही पड़ा है, साथ ही साथ इसमें मंत्र संकेत, यंत्र संकेत और पूजा संकेत मिलने से यह काम कला विलास ग्रंथ जो है विशुद्ध रूप से समयाचारी संप्रदाय का भी है। तो यह तो अपने आप में इतना दुर्लभ ग्रंथ है कि अच्छा आपको बता दें, समयाचार और कौलाचार के आचार्यों में बड़ा मतभेद रहा है श्रेष्ठत्व का, लेकिन काम कला विलास जैसे ग्रंथ को लिख करके श्री पुण्यानंद जी ने इतना अनुग्रह किया है कि उन्होंने यह दिखा दिया है कि जो कौलाचार है और जो समयाचार है वो पूर्ण रूप से विशुद्ध रूप से एक है, उसमें कोई अंतर है ही नहीं। वहां पे केवल केवल विमर्शन का अंतर है कि विमर्शन हम बाहर कर रहे हैं या अंदर कर रहे हैं। तो इन सब के साथ हम मूल ग्रंथ में हम प्रवेश करते हैं ज्यादा। तो प्रथम श्लोक में भगवान महेश्वर की स्तुति करते हुए कहते हैं, सकल भुवनोदय स्थिति लयमय लीला विनोदनोद्युक्त अंतरलीन विमर्श पातु महेश प्रकाश मात्र तनु। वो महेश्वर जिन्होंने सकल भुवनों का उदय यानी उद्भव किया, उनको स्थिति अवस्था में लेके आया, और लय
इन सबकी लीला से विनोद पूर्ण रूप से युक्त है और उनकी विमर्श शक्ति उनमें अंतरलीन है। ऐसे प्रकाश मात्र शरीर वाले वपु वाले तनु वाले भगवान महेश्वर का मैं प्रणिपात करता हूं। सा जयति शक्ति राध्या, उनकी जो शक्ति है वो सतत जयनशील हो। यहाँ पे जयंती जगदानंद विपक्ष क्षपण क्षमा, श्री मालिनी विजयोत्तर तंत्र के पहले ही श्लोक में जयंती जगदानंद विपक्ष क्षपण क्षमा की बात कही गई है कि भगवान जगदानंद जो है, जो जिया जगदानंद करने वाले देने वाले हैं, वो सतत जयनशील हो और वो अपने विपक्ष को भी उत्पन्न कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी बड़े से बड़ा साधक भी हो तो ये नहीं चाहेगा भाई कि सामान्य रूप से यह नहीं चाहेगा कि उसका विपक्ष उत्पन्न हो, जो हो सब बढ़िया चलता रहे, यही साधना का उसका मूल उद्देश्य। भाई अंतराय, हमने भी यही का अंतराय तीन रहो शांत, यही भगवती से ऊपर हमने प्रार्थना की कि अंतराय तीन रहो शांत, ये श्रेष्ठ शक्ति करुणा अरुणा प्रभम, कि किसी प्रकार का अंतराय साधना में ना आए। लेकिन भगवान शिव की लीला ऐसी है कि विपक्ष का भी क्षपण करने माने विपक्ष को भी वो प्रक्षेपित करने में सक्षम है, वो अपना विपक्ष भी उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसी शक्ति आद्य शक्ति के सतत जय हो, निज सुखमय नित्य निरूपम आकार, जिसे वो निराकार है। देखिए जैसे बात है कि वो निराकार है भगवती, इस समय भगवती जो है आकार में आई ही नहीं। आकार में कब आएंगी आगे देखेंगे। भावी चराचर बीजम, जो भावी माने जो उत्पन्न होने वाला चराचर जगत है उसका बीज है। शिव रूप विमर्श निर्मला दर्श, वो इतना निर्मल दर्पण है कि उसमें शिव के रूप का विमर्शन करती रहती है। तो यहाँ पे ये साधक के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है कि चित्त को इतना निर्मल रखना चाहिए कि उसमें शिव का विमर्शन हो सके, और नहीं होगा तो चितिरे चेतना पदावरूढ़ा चैत्य संकोचने चित्त, माने फिर वो जो चित्त है वो चिति पद पर पहुंचेगा ही नहीं। और जब चित्त चिति पद पर पहुंचेगा ही नहीं तो शिव का विमर्शन जब उस चिति में नहीं होगा तो हमारी शिवता कैसे जागृत होगी। तो निर्मला दर्श है, जो निर्मल दर्पण की बात आचार्य लोग करते हैं, बार बार यह बताने का प्रयास करते हैं कि अपने मन दर्पण को एकदम निर्मल कीजिए, साधना से निर्मल कीजिए। तो काल अध्वार देश अध्वार की साधनाएं बताई गई है, आचार्य विनोद गुप्त ने बड़ी विस्तृत व्याख्या की है इस संदर्भ में, और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से चित्त को निर्मल करके चित्त स्वरूप में ले जाते हैं। इसके बाद उस पराशक्ति में शिव और शक्ति का समागम है। अच्छा, यहाँ एक चीज समझने वाली बात है कि स्पंद और प्रतिविज्ञा में एक बात कही जाती, कोई कहता है ये शैव प्रधान है शक्ति प्रधान है, ऐसा कुछ नहीं है। अनुत्तर स्वरूप जैसे परात्रिंशिका ही है या विज्ञान भैरव ही है, तो शिव और शक्ति स्वरूप से हम कहते अवश्य है, लेकिन वहां शिव शक्ति में कोई भेद नहीं है। शिव कैलाशपति नहीं है यहाँ पर, और शक्ति उनकी शक्ति उमा है, यहाँ वो अनुत्तर है। सब कुछ उनमें वो सगुण निर्गुण सब कुछ अपने अंदर समाहित करके विराजमान है। इसलिए अगर कहें कि पराशक्ति में शिव शक्ति का समागम है तो हम यह भी कह सकते हैं कि परमेश्वर शिव में शक्ति शिव शक्ति का समागम है। यह काम कला विलास की शाक्त ग्रंथ नहीं है, शैव ग्रंथ भी है, क्योंकि यहाँ जब जिस अनुत्तर भट्टारक की बात या अनुत्तर भट्टारिका की बात की जा रही, वह शिव भी है शक्ति भी है, उनमें अविना भाव है, उनमें मतलब कोई भेद है ही नहीं। वो मूल रूप से जैसे आप ही आप एक है, आपको कोई मान लीजिए कोई मोहन बोलता है कोई घर में, आपका कोई और नाम होगा, तो इससे क्या आप में कोई भेद थोड़े ही हो जाता। ये तो कहने वाले का भाव है कि वो किस भाव से कह रहा है। तो अगर हम कहें उस पराशक्ति में शिव शक्ति का समागम है, तो यहाँ पर बस इतने समझने वाली बात है कि परमेश्वर शिव में भी शिव शक्ति का समागम है। तो यह कहा, इसको आगे और एक्सप्लेन किया है कि बीज से अंकुर और अंकुर से बीज पुनः उत्पन्न होता है। बीज से एक अंकुर बना, अंकुर से वृक्ष बना, उससे फिर फूल हुए, फल हुआ, फल से फिर बीज बन गया। यह शिव शक्ति के प्रतीक है और यह समान रूप से उपस्थित है। यहाँ पर शिव को ज्ञान और शक्ति को क्रिया स्वरूप देखा गया है इस अवस्था में शिव के अंदर, क्योंकि सतत उनकी जो काम शक्ति है उसका आकर्षण उत्पन्न हो रहा है और उनमें सतत ज्ञान जागृत हो रहा है, और शक्ति उनके विलास के लिए उद्धत है, उनके लिए कलाओं की उत्पत्ति कर उनके विलास के लिए उद्धत है। तो शिव ज्ञान है, शक्ति क्रिया है, और अनुतर आकार, अनुत्तर आकार व हकार से आ और हा और बिंदु, इससे अहम पद ही इनका वाच्य है। तो जो यहाँ पर सबसे पहले शिव और शक्ति, जब शिव अपने निर्मल दर्पण में भासित होते हैं उस अवस्था में से जस्ट पहले जो है उनका अहम स्वरूप में जो व्याप्ति है, और भाषित होने के तत्काल बाद जो अहम स्वरूप में व्याप्ति है, यहाँ उसी पद का निरूपण, ये अत्यंत पर रूप में व्याख्या है।
यहां आम प्रत्यय की बात हो रही है। तो होता क्या है, परशिव अपने चिति दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं, और जब यह प्रतिबिंब है, इस प्रतिबिंब का जो ज्ञान स्वरूप भित्ति है या ज्ञान भूमि पर इस प्रतिबिंब का पुनः प्रतिबिंब पड़ता है। जैसे आप देखें सूरज है, सूरज का बिंब एक शीशे के ऊपर पड़ा, तो शीशे में सूरज जैसा चमकता आंख में जोर पड़ता है, लेकिन वो शीशा जब उसको किसी दीवार पर फोकस कर देता है, रेडिएट कर देता है, उसको फोकस कर देता है, तो वो एक बिंदु के समान दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से जब ज्ञान भूमि के ऊपर ये जो चिति दर्पण में जो प्रतिबिंबित हुआ है, उस प्रतिबिंब का पुनः प्रतिबिंबन होता है, तो वो महाबिंदु कहलाता है। यही वो महाबिंदु है, यही महाबिंदु जो है, इसी की अभी आगे व्याख्या है, और इसी को आदि दंपत्ति भी कहा गया है। यहाँ पे जो अहम है, इसके साथ जब कार लग जाते तो अहंकार हो जाता है। ये जो अहम है, ये पर अहम है, ये हमारा संकुचित अहम भाव नहीं है, जो कि हमारे और आपके अंदर व्याप्त है कि मैं गिरिरत्न है और आप महेश जी हैं और अन्य जो भी हैं, जो कुछ भी हो। यह अहम भाव जो है, यह परमेश्वर का परम अहम भाव है। और इसी में शब्द अध्वा और अर्थ अध्वा, यानी कि काल अध्वा और देश अध्वा दोनों इसमें व्याप्त हैं, और अन्य काल अध्वा और देश अध्वा में छत्तीस तत्वों की समष्टि भी व्याप्त है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो पर अवस्था में जो कामकला विराजमान है, क्योंकि भाई जो गर्भ में होगा उसी का तो जन्म होगा, तो जो सूक्ष्म रूप से यहाँ पर विराजमान है वही आगे आएगा। सत्य से ही सत्य सत की उत्पत्ति होती है, सत्य असत की उत्पत्ति नहीं होती। यह त्रिक दर्शन का मूल सिद्धांत है, सत कभी असत की उत्पत्ति कर ही नहीं सकता, जो सत है उसे सत की उत्पत्ति होनी है। उसी प्रकार से उत्पत्ति उसी के अंदर, इसको अनवय देखा व्यतिरेक से देखें तो उत्पत्ति उसी की होनी है जो पूर्व में व्याप्त हो। तो वो कहाँ व्याप्त है, तो उस अहम में व्याप्त है। उस अनुत्तर अवस्था में भी जब शिव शक्ति पूर्ण रूप से सामरस्य भाव से अविना भाव रूप से एक है, वहां पे भी ये व्याप्त है। तो शब्द अध्वा और अर्थ अध्वा दोनों तथा 36 तत्वों की समष्टि इनमें निविष्ट है। इसके बाद क्या होता है, अब थोड़ा सा इसमें विषयांतर है, क्योंकि हम यहाँ पे सूक्ष्म स्वरूप जो है कामकला को उसके ऊपर जाएंगे, तो वहां पे श्वेत बिंदु जो है वो शिवात्मक होता है, और जो रक्त बिंदु होता है शक्त्यात्मक होता है। श्वेत और रक्त बिंदु जब मिलते हैं तो मिश्र बिंदु की उत्पत्ति होती है। यह जो मिश्र बिंदु है, यह अहंकार का स्वरूप होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पर रूप के बाद जब सूक्ष्म रूप में अवस्था आती है, जब शिव शक्ति दोनों की द्वैत अवस्था सिद्ध हो गई है, माने कि शिव अकुल हो चुके हैं, शक्ति कुल हो चुकी है, यानी कुल की व्यापकता सिद्ध हो गई है, तो उस अवस्था में क्या होता है कि शिव और शक्ति का आपस में मिलाप होता है, रहस्य चर्या होती है। उस रहस्य चर्या के परिणाम स्वरूप मिश्र बिंदु या अहंकार का उद्भव होता है। यह अहम भी स्वयं में एक वर्ण है, यह अहम यहाँ पे स्वयं में एक वर्ण है। तो होता क्या है कि यह अहम जो वर्ण है, यह सूर्य स्वरूप होता है, और यह अत्यंत कमनीय होता है। इस अहम वर्ण में, माने इसके अंदर बहुत ही उद्दाम आकर्षण होता है, कमनीयता होती, बहुत जबरदस्त आकर्षण होता है, और क्योंकि ये कमनीय होता है, इसीलिए इस अहम बिंदु को काम कहा जाता है। और जो श्वेत और रक्त बिंदु होते हैं, तो रक्त बिंदु अग्नि का और श्वेत बिंदु चंद्रमा का प्रतीक हो जाता है। और ये जो दोनों होते हैं, ये मूल रूप से आपके कला हो जाते हैं, और यही पे जो हार्द कला होती है, जो महाबिंदु जिसकी चर्चा हमने की है, वो जगत योनि स्वरूप व्याप्त हो जाती है। होता क्या है कि अब जो तीनों, अच्छा ये जो त्रिकोण होता क्या है कि जो ये जो त्रिकोण बना है, जिसमें सूर्य जो है काम है, और चंद्रमा और अग्नि ये जो आपके कला हैं, और हार्द कला जो नीचे योनि स्वरूप विराजमान है, तो ये मूल रूप से यही काम कला होता है। तो अगर आप भगवती श्री विद्या का ध्यान मंत्र भी देखेंगे, तो उसमें जो उनका जो स्थूल ध्यान मंत्र भी भगवती का जो बताया गया है, तो उसमें मुख बताया गया अत्यंत कमनीय, बहुत सुंदर, और पृथु स्तनों की बात की गई है, और कमर बहुत पतली बता करके
इस प्रकार से शुरू, तो इसको देखेंगे ट्रेपेजॉइड का, एक इसमें ट्रेपेजॉइड का शेप बनता है भगवती का। तो यहाँ पे जो भगवती के जिस स्वरूप की, के मूर्त स्वरूप की जो व्याख्या की गई, मानुषिक स्वरूप की जो व्याख्या की गई है, वो मूल रूप से कामकला की ही व्याख्या है। जब हम भगवती के प्रकार ध्याये पद्मासनस्थाम विकसित वदनाम पद्म पत्रायताक्षीम हेमाभाम पीत वस्त्राम करकले लसद्देम पद्माम वरांगीम सर्वालंकार युक्ताम सततम अभयदाम भक्त नम्राम भवानीम श्री विद्याम शांत मूर्तिम सकल गुणमताम सर्व संपत् प्रदात्रीम, जब हम इस प्रकार का ध्यान करें, श्री विद्या सर्व संपत् प्रदात्री जैसा भी हम कही आए, शांत रूपा, जब यहाँ ध्यान करते हैं उनका, पीत वर्णा इत्यादि रूप से ध्यान करते हैं, तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ मूल रूप से काम कला ही है। इसलिए श्री विद्या साधना में जो श्री विद्या का ध्यान कला करा जाता है, वो काम कला ध्यान कहा जाता है। और उसके ध्यान की विशेष पद्धति होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सिद्धांत पक्ष को ही लेके चलने की बात है और यह अत्यंत गूढ़ रहस्य है, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं उठाएंगे। तो अब होता क्या है, इसी जो सूक्ष्म काम कला की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो अहम प्रत्यमर्श के बाद जो सूक्ष्म काम कला का स्वरूप जो आया है, इसके संदर्भ में थोड़ा सा अगर हम विस्तार से विचार करें, तो मूल महाबिंदु इसमें तो पर शिव जो होते हैं विमर्श शक्ति में प्रवेश करते हैं जब अपना, यानी जब बिंब का जब आपका आमर्शन विमर्शन जब होता है, तो वह बिंदु रूप धारण करते हैं जैसा कि पर कहे आए। फिर विमर्श शक्ति का महाबिंदु में प्रवेश होता है, जो वो बिंदु बनता है उसमें विमर्श शक्ति का पुनः प्रवेश हो जाता है, यानी कि परस्पर उनमें आपस में आदान प्रदान संप्रदान प्रदान इत्यादि होता रहता है, आदान प्रदान चलता रहता है, प्रवेश इत्यादि चलता रहता है। तो महाबिंदु छून यानी कि फूलना शुरू करता है, तब नाद शक्ति का आविर्भाव होता है, और जितने भी तत्व तो हमारे हैं इसी नाद शक्ति के अंदर स्थापित हैं। नाद शक्ति जो होती है, क्योंकि स्वतंत्र संपन्न होती है, तो स्वतंत्र रूप से त्रिकोणाकार ले लेती है। यहां महाबिंदु प्रकाश है, नाद शक्ति विमर्श है, अहम और यह दोनों अहंकार यानी कि जो 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 हमारा पर काम कला है उसके अंदर विराजमान है। इस प्रकार से त्रिकोण के तीनों बिंदु यानी रक्त श्वेत मिश्र बिंदु एवं महाबिंदु चारों मिलकर काम कला के विग्रह को स्थापित करते हैं। तो फिर से अगर भगवती के श्री विग्रह का अगर आप ध्यान करें, श्री विद्या के श्री विग्रह का आप ध्यान करेंगे, ये पाएंगे कि जो मुख है वह सूर्य है, और जो रक्त और श्वेत, इसीलिए भगवती को जगदम्बा कहा जाता है, इसीलिए भगवती को जगदम्बा कहा जाता है। अब इस यहां तक जो है ये आठवें श्लोक तक की व्याख्या कही गई। इति काम कला विद्या देवी चक्रमात्मिका सेयम विदिता येन मुक्तो भवति महात्रिपुर सुंदरी रूपः। अब यहाँ ये कहा गया है कि इतना भी, इतना जिसको समझ में आ गया उसकी मुक्ति तो सिद्ध है, भगवती के इस स्वरूप का साक्षात्कार जिसने कर लिया उसकी मुक्ति तो सिद्ध है उसको, क्यों, क्योंकि आपने मूल रूप से जो हम आगे जो साधना की जो बात है, उस साधना का उद्देश्य क्या है, साधना का उद्देश्य इसी तत्व को जानना है, उस साधना का उद्देश्य इसी तत्व को जानना है जो श्री विग्रह है, उसका उद्देश्य क्या है, कामकला ध्यान का उद्देश्य क्या है, नवावरण पूजा का उद्देश्य क्या है, मंत्र जाप का उद्देश्य क्या है, जो श्री विद्या साधना में जो महाभिषेक महासाम्राज्य अभिषेक इत्यादि जो भी कुछ होता है, वह उन सबका उद्देश्य क्या है, उन सबका उद्देश्य केवल इतना है कि भगवती के इसी अहम प्रत्यवमर्श का परचिदात्मिका और भगवती शक्ति के इस अहम प्रत्यवमर्श का हम अनुभव कर सकें। तो इतना जिसको सिद्ध हो गया उसको तो सर्वत्र से हो ही गया, उसको मोक्ष उसके कामलकवत हो ही गया है। अब यहाँ पे काम कला तत्व से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, ये काम कला विलासकार आगे बताते हैं। अरुण बिंदु के स्फुटित होने से नाद की उत्पत्ति हम ऊपर कही आए, रक्त बिंदु से नाद से अंकुर फिर क्रमशः आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी तथा समस्त वर्णमालाओं का उद्भव होता है। श्वेत बिंदु से भी पांच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। इसका तात्पर्य यह है कि जो काम कला का विलास है वो संपूर्ण विश्व है। तो कामेश्वर जो कि अपने काम, कामेश्वर जो कामेश्वरी के काम यानी आकर्षण से अपने शिवत्व में एकदम मिलीन है, उनके बाह्य मनोरंजन के लिए जिस विश्व की उत्पत्ति भगवती करती हैं, वही काम कला का विलास है। यानी काम और भगवती कामेश्वरी, काम जो कि भगवती का ही एट्रीब्यूट है, और उनके द्वारा उत्पन्न कला से
जो विलास हो रहा है शिव को वही कामकला विलास है। तो कामकला विलास मूल रूप से शिव के आनंद के लिए, शिव के रंजन के, शिव के मनोरंजन के लिए भगवती कामेश्वरी का तिलक किया गया लीला विलास है, वही कामकला विलास है। यहाँ पर शास्त्रकार ने यह भी कहा है कि काजी व हाजी विद्या में अभेद है, रक्त श्वेत बिंदु में अभेद, रक्त बिंदु श्वेत बिंदु में जिस प्रकार से अभेद है उसी प्रकार से काजी और हादि विद्या में भी, काजी और हादि विद्या की वाच्य भगवती श्री राजराजेश्वरी ही हैं। तो इससे क्या है कि और वाच्य वाचक में भी लेश मात्र का अंतर नहीं है। तो काद्य विद्या से जब हम बात करते हैं तो कामराज विद्या की, यानी कामदेव द्वारा जिसकी साधना की गई है, आपका श्री ललितोपाख्यानम जो ग्रंथ है उसमें कामदेव की साधना का संपूर्ण विवरण मिलता है। और कामराज, कामदेव ने क्यों साधना की, इस प्रकार इस कथा का भी वहां पर विवरण मिलता है। और हादि विद्या जो लोपा मुद्रा महर्षि अगस्त्य की जो पत्नी है उनका, उनका ये संप्रदाय हादि विद्या है। तो अब इसके बाद क्या होता है कि जो कालध्वा और देशध्वा जो होता है, अगर इनको दो अपने आप में तत्व ही मान लिया जाए, या ये कालध्वा देशध्वा को एक एक यूनिट मानकर चलें, तो जो श्री बाला त्रिपुर सुंदरी के मंत्र हैं उनमें इसका पर्यवसान है। उसमें तीन बीज होते हैं बाला त्रिपुर सुंदरी के मंत्र में, पहला बीज वाग्भव, फिर कामराज और शक्ति। तो जो वाग्भव बीज है उससे कालध्वा और देशध्वा की उत्पत्ति बताई है, जो आपका कामराज बीज बताया है उससे कालध्वा और देशध्वा की स्थिति बताई है, और जो शक्ति बीज है उसमें कालध्वा और देशध्वा का पुनः निमिलन यानी कि संघार उसी में समाहित हो जाना यह बताया गया है। इतना कहने के उपरांत श्री महात्रिपुर सुंदरी में त्रयी का पर्यावसान है, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो स्थूल कामकला की बात हमने कहा है, त्रयी, त्रयी की जिसकी बात हमने कहा, जैसे पंचस्तवी में आया है सूत्र में मुझे ध्यान नहीं आ रहा, और दूसरा फिर आपका श्याम पंचाशिका में भी त्रयी का आया है, श्री देवी महात्म्यम में भी त्रयी का वर्णन मिलता है। तो जो त्रयी है, जो स्थूल रूप से जो भगवती के कामकला स्वरूप का जो वर्णन आता है वह भी महात्रिपुर सुंदरी में उसका पर्यवसान है, यानी कि इच्छा, ज्ञान, क्रिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, आपका जागृत, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, आपका स्वयंभू लिंग, बाणलिंग, इतरलिंग इत्यादि जितने भी प्रकार के त्रयी आप यहाँ वहां जो भी दिखते हैं, जितने भी त्रिक हैं उन सब का जो पर्यवसान है वो महात्रिपुर सुंदरी में ही है। समस्त आपके यहाँ शिव शक्ति नर, शिव शक्ति नर का जो यह भेद है, नर जब शक्ति मार्ग में अपने मंत्रों को, अपनी साधना को अधिष्ठित करके शिवत्व को सिद्ध करता है और अनुत्तर अवस्था में पहुंचता है, तो जो अनुत्तर अवस्था है वो पूर्ण रूप से स्वयं महात्रिपुर सुंदरी ही है। अच्छा, यह प्रकारांतर से भी सिद्ध है, क्योंकि जो श्री विद्या साधना होती है जिसमें जो पराक्रम साधना होती है, आप जैसे इस वर्तमान समय तो कामराज कादी मत का ही सबसे ज्यादा हमारे देश में प्रचलन है, और कादी विद्या का जो ग्रंथ है श्री परशुराम कल्प सूत्र, आदि शंकराचार्य जो कि इसी को बहुत ज्यादा विस्तृत किया है, किसी के आधार पर साधनाओं को पूर्ण रूप से स्थापित किया है, जो उसमें पराक्रम की बात आती है, तो पराक्रम में जो मंत्र दिया है भगवती की साधना का, मध्यरात्रि में तुरिया संध्या के समय जो भगवती की पराक्रम से साधना की जाती है, तो जो वह मंत्र दिया है वह मंत्र मूल रूप से वही है जो परात्रिमशिका में अमृत बीज दिया गया है। तो ये जो आपका जो उसमें अनुत्तर स्वरूप में, जो अनुत्तर में व्याप्ति हो जाती है, अनुत्तरम कथयम जो सद्या कवलित सिद्धतम ये न विज्ञात मात्रेण खेचरी समताम व्रजेत, खेचरी साम्य की जो सिद्धि की बात की गई है, तो जो उसमें जो अमृत बीज में सब कुछ जो पर्यवसान है, तो अमृत बीज जो है प्रकारांतर से महात्रिपुर सुंदरी का ही स्वरूप है, और इसी को पराक्रम कहा जाता है श्री विद्या साधना में। उसी एकाक्षरी मंत्र का सारे मंत्रों की सिद्धि साधना हो जाने के बाद उसी एकाक्षरी मंत्र के शरण में साधक आता है, और ऐसा पराक्रमशिका में भी कहा गया कि अपर शास्त्रों के, अन्य शास्त्रों के जो भी साधना करते आते हैं उनको अंत में इसी मंत्र का की शरण लेनी पड़ती है, और इसी से उनको मोक्ष की सिद्धि होती है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। यहाँ मोक्ष माने पर भैरव समावेश की बात हो रही है, खेचरी साम्य की बात हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मोक्ष यही है। अब पंचदशाक्षरी से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है इस संदर्भ में बताया गया है। तो आकाश का गुण है शब्द, वायु का स्पर्श, तेज का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गुण गंध है। आकाश का एक गुण है क्योंकि वायु में आकाश निमज्जित हो जाता है, इसलिए इसके दो गुण हैं।
तेज में आकाश और वायु का भी निमज्जन हो जाने से उसके तीन गुण हैं, जल में आकाश वायु तेज तीनों का निमज्जन है इसलिए चार गुण हैं, पृथ्वी में आकाश वायु तेज और जल सब निमज्जित हो जाते हैं इसलिए पांच गुण हैं। तो एक धन, दो धन, तीन धन, चार धन, पांच, कुल मिला के 15, 15 यही पंचदशी विद्या है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो पंच महाभूतों से उद्भूत सृष्टि है वह अपने समस्त गुणों समेत जो उसका जो मूल स्वरूप है, जो उसका आधारभूत या पर स्वरूप है इन पंच तत्वों का, वह मूल रूप से पंचदशी विद्या है, जो कि श्री विद्या की पंचदशी के 15 अक्षरों की विद्या है। पंचदशी के 15 अक्षर का, ये जो पंचदशी के 15 अक्षर हैं इनके संदर्भ में और भी व्याख्या करते हैं। यहाँ पे देखिए मंत्र संकेत की बात हो रही है। तो पंचदशी के जो 15 अक्षर हैं उसमें कामेश्वरी से लेकर चित्रा तक की 15 नित्याएं हैं, यही नित्याएं प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा अथवा अमावस्या तक 15 तिथियां हैं। और इन तिथियों में शिव शक्ति का सामरस्य है। कैसे? जो शिव दिन है शक्ति रात्रि है। इस प्रकार की बातें तृतीय आह्निक में भी आई हैं तंत्रालोक के, और इसके अलावा आपके षष्ठम आह्निक में भी दिन रात्रि की साधना इत्यादि से काल अध्वा शोधन के समय बताया गया है कि इस प्रकार से दिन और रात्रि और फिर उसके बाद युग युगांतर तो क्यों हो जाता है, वहां पे हो क्यों जाता है, क्योंकि दिन और रात्रि और फिर युग युगांतर की जो बात की गई है आपका प्राण व्याप्ति पान व्याप्ति इत्यादि में, उससे होता क्यों है, क्योंकि जो दिन और रात्रि इत्यादि की जो बात की जा रही है मूल रूप से शिव शक्ति स्वरूप है। जो शिव है ही नहीं नभा कुसुमाय थे, तन नभा कुसुमाय थे, जो शिव शक्ति स्वरूप है ही नहीं वो होगा ही नहीं। जो शिव शक्ति स्वरूप, जहाँ पे शिव शक्ति का स्वरूप है ही नहीं वहां सिद्धि किस प्रकार से होगी, क्योंकि दिन रात्रि स्वतः ही शिव और शक्ति हैं। इसीलिए जो काल अध्वा शोधन में प्राण व्याप्ति इत्यादि में द्वादशांत पे जो हमारे धारणा इत्यादि देकर के जो साधना इत्यादि की बातें बताई गई हैं उससे सिद्धि इसीलिए होती है क्योंकि दिन रात्रि में शिव शक्ति का सामरस्य है और यह महात्रिपुर सुंदरी का काम कला विलास ही है। दिन रात्रि का योग पंचदशी का एक एक अक्षर शिव शक्ति का दोनों का बोधक है। इस कारण से शिव जो पंचदशी मंत्र का एक एक अक्षर शिव शक्ति का बोधक है। अन्यथा तो अगर स्थूल रूप से देखा जाए तो हमारे गुरुदेव ने हमको यह उपदेश दिया है कि पंचदशी के मंत्रों में 3 ककार व 2 हकार शिव के बोधक हैं, शेष शक्ति तत्व हैं, ऐसा उनका कहना है। और ह्रीमकार जो उसमें है वो शिव शक्ति दोनों का सामरस्य अवस्था का बोधक है। लेकिन क्या होता है कि शिव शक्ति में ही अभेद है, तो वहां पे गुणों के आधार पर वह व्याख्या है। यहाँ पर मूल रूप से व्याख्या यही है दिन रात्रि का योग, यानी दिन और रात्रि मिलाकर के अहर्निश की जिसकी बात, अहर्निश की बात करें, दिन और रात्रि का जो एक 24 आवर्स की बात करें, जो 24 आवर्स का जो एक स्लॉट है वो एक एक अक्षर के समान है, और एक एक अक्षर इसलिए शिव शक्ति दोनों का बोधक है। अब पंचदशी जो है ये भगवती श्री विद्या का दिव्य विग्रह ही है। तो ये जो समस्त अक्षर हैं, जब ये 15 अक्षर जब मिल जाते हैं तो भगवती श्री विद्या के दिव्य विग्रह को ही आविर्भूत करते हैं। इसीलिए क्योंकि ये भगवती के साक्षात स्वरूप हैं इसीलिए शिवादि धरणी पर्यंत व्याप्त 36 तत्वात्मक जो विश्व है वह भी भगवती का स्वरूप। अच्छा, या तो स्पष्ट रूप से मातृ तृप्ते ही देवस्य तत्र तत्र वपुश्चलम्, जो विश्वोत्तीर्ण है, जब विश्वमय शिव बनते हैं तो शक्ति स्वरूप व्याप्त होते हैं और शक्ति स्वयं इस विश्व के रूप में व्याप्त हो जाती है, तो यह तो सिद्धांत स्पष्ट ही है। अच्छा, ये दिव्य विग्रह होने के कारण कादि हादि रूप से, जो कादि विद्या और हादि रूप विद्या जो है पुनः एक ही है। इस बात पर पुण्यानंद जी ने बहुत ही ज्यादा, ग्रंथकार ने बहुत ही ज्यादा जोर डाला है कि कादि विद्या और हादि विद्या जो है मूल रूप से एक ही है, इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। अब श्री चक्र में ये तो हो गई मंत्र संकेत की बात हो गई। अब इस ग्रंथ को देखें कि सबसे पहले सिद्धांत पक्ष दिया, सृष्टि की उत्पत्ति बताई कि कैसे विलास हो रहा है। अब उसके बाद साधना पक्ष में ही पहले मंत्र संकेत दिया, अब चक्र संकेत दे रहा है, आगे पूजा संकेत भी दिया है। तो श्री चक्र माने चक्र संकेत कामकला से कहते हैं कि इसमें कहा गया है कि परावाग जो है मूलाधार में स्थित है, वो वहां पे जो नाद शक्ति का प्रथम अवतार होता है। यह बात आगे भी स्पष्ट रूप से तंत्रालोक में भी बताई गई है कि मूलाधार अपान व्याप्ति के लिए उन्होंने यही कहा था कि भाई जिसको मूलाधार तक की व्याप्ति की सिद्धि हो ऐसा सिद्धि होगी अपान व्याप्ति की साधना कर सकता है, तो प्राण व्याप्ति की साधना करनी चाहिए, सामान्य रूप से प्रकार की बात बताई। और आगे आगे जो उदान व्याप्ति समान व्याप्ति इसके लिए भी इन सब चीजों के ऊपर बड़ा जोर दिया कि मूलाधार से जो नाद की उत्पत्ति हो रही, जो नाभि में आकर कुछ स्फुट होती है और हृदय में एकदम स्फुटतम हो जाती है, उसके संदर्भ में जो बात कही गई है वो इसीलिए कही गई है
परावाक जो है स्वयं नाद रूप में सर्वप्रथम मूलाधार में ही अवतरित होती हैं। ये जो नाद स्वरूप है ये मन और वाक से भी परे है, यही भगवती नाभि चक्र में परा यही परावाक जो है नाभि चक्र में पश्यंती रूप में व्याप्त है, और हृदय में यह मध्यमा रूप में व्याप्त है, और कंठ में वैखरी रूप में व्याप्त है। तो यहाँ पे जो मातृकाओं का त्रिकूट बनता है, तीन कूट बनते हैं, आ से अह पर्यंत, का से ता पर्यंत, और ठा से क्षा पर्यंत। ये जो होती है इन्हीं इन्हीं क्या कहते हैं पश्यंती मध्यमा वैखरी इत्यादि में व्याप्त होती चलती हैं, और वैखरी रूप में एकदम स्फुटतम रूप में आ जाती है, आ से अह पर्यंत, का से ता पर्यंत, और ठा से क्षा पर्यंत। यही जो मातृकाएं हैं वेद और आगम के वैखरी स्वरूप का मूल आधार है। यहां पर एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई पूछे कि तंत्रालोक की बात कर ले, श्रीमद तंत्रालोक की बात कर ले, कि उसका मूल कथ्य क्या है, अगर कोई मुझसे पूछे कि एक लाइन में बताए तंत्रालोक में आचार्य अभिनव गुप्त जी ने कहा क्या है, तो मैं कहूंगा उन्होंने अहम प्रत्ययमर्श कहा है, इसके अलावा तंत्रालोक में कुछ भी नहीं है। और ये शास्त्र भी सम्मत है, गुरु शिष्य पदेतत्व स्वयं देवा सदाशिव, उसका मूल कथ्य ही अहम प्रत्ययमर्श है। ये जो कामकला तत्व है, ये कामकला तत्व जो कुछ भी कहा गया मूल रूप से वो कामकला ही है, अहम प्रत्ययमर्श कामकला ही मूल रूप से कहा गया है। और संसार के जितने भी शास्त्र हैं, चाहे वेद हो, आगम हो, चाहे कोई भी शास्त्र हो, इसीलिए देवी मई स्तुति में अभिनव गुप्त ने कहा है, भगवती ऐसा कौन सा है जो आपकी स्तुति नहीं है, मेरे मुंह से ऐसा क्या निकला जो आपकी स्तुति नहीं है। तो वो क्या है, वो इसीलिए क्योंकि समस्त रूप जो है इसी मातृकाओं से, सब कुछ इसी मातृका से ही वर्णित है, और इस मातृका का जो मूल आधार है वह अहम प्रत्ययमर्श ही है, जो पश्यंती वाक पे होता है। तो चक्र राजा तस्य स्थूल स्वरूप, जो चक्र राज है, श्री चक्र राज है, श्रीयंत्र है, ये उसका इस मातृका का स्थूल रूप है। हमारे यहाँ ग्रंथ है कश्मीर का ही, श्री मातृका चक्र विवेक सिद्ध संप्रदाय का, उसमें यही बताया गया है, उस ग्रंथ में कहा ही यही गया है। ग्रंथकार को भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि भाई मंत्रों के रहस्य को जानिए, तो वो कनकाचल पर्वत पर कश्मीर में कोई स्थान होगा मुझे नहीं ज्ञात है, वहां पर वो गए, उन्होंने तपस्या की और पाणिनि के व्याकरण के आधार पर मंत्रों के रहस्य को जानने का प्रयास किया और असफल हुए। तो उनके प्रयास से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उन्हें दर्शन दिए और वहां पे आकाश से एक श्रीचक्र की उत्पत्ति की, उनके प्रभाव से आकाश में श्रीचक्र उत्पन्न हुआ, और उस चक्र के विभिन्न विभिन्न जो आवरण है उनसे एक एक मातृका की उद्भूति हुई। तो उससे क्योंकि उस श्रीचक्र से विभिन्न मातृकाओं का उन्होंने दर्शन किया, इसलिए उसको मातृका चक्र नाम दिया, उसे श्रीचक्र का नाम मातृका चक्र हुआ। तो यह जो चक्र राज है, श्री चक्र राज है, इसी आम प्रत्ययमर्श का, इसी कामकल्ला का जो है स्थूल रूप है। अब चक्रोत्पत्ति होती, श्री चक्र की उत्पत्ति कैसे होती है, जो बिंदु है श्रीयंत्र का, जो बिंदु है, जो श्रीयंत्र का मूल बिंदु है, ये महात्रिपुर सुंदरी का प्रथम सगुण स्वरूप है। इससे पूर्व भगवती निर्गुण स्वरूप का विराजमान थी, इससे पूर्व वो अनुत्तर थी, माने वो त्रिलिंगता अपने अंदर समाहित करके भी लिंग ऊर्ध्वलिंग आय नमः ऊर्ध्वलिंगी थी। फिर ये अपनी इच्छा शक्ति के प्रभाव से उच्छून होती हैं, और चणक यानी जैसे चना फूलता है उस प्रकार के फूल करके त्रिकोण का स्वरूप धारण कर लेती हैं। त्रिकोण के तीन बिंदु हैं पश्यंती, त्रिकोण के जो तीन बिंदु हैं कोने के, वो पश्यंती मध्यमा और वैखरी हैं, इनके मूल कारण हैं। और इन पश्यंती मध्यमा और वैखरी के जो मूल कारण स्वरूप ये जो त्रिबिंदु हैं, इनके वाचक कौन है, इनके वाचक बाला त्रिपुर सुंदरी के मंत्र के तीन बीज हैं, वाग्भव बीज, कामराज बीज और शक्ति बीज, और बिंदु और त्रिकोण मिलाकर के ही कामकला है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो श्रीयंत्र है, श्रीयंत्र का जो बिंदु है और उसका जो त्रिकोण है, यह कामकला है। श्रीयंत्र के परिप्रेक्ष्य में जो श्रीयंत्र का बिंदु और त्रिकोण है वह कामकला है। उसके बाद जो पांच अधोमुखी त्रिकोण है वो वामा ज्येष्ठा रौद्री अंबिका और पराशक्ति का त्रिकोण है। चतुर्भि श्रीकंठ पंच भैरवी शिव युति भी ऐसा सौंदर्य लहरी में आदि शंकराचार्य जी ने कहा है। और इच्छा ज्ञान क्रिया और शांता स्वरूप जो चार अधोमुखी
जो आपके जो त्रिकोण ऊर्ध्वमुखी जो त्रिकोण है वो शिवात्मक है, ऊर्ध्वमुखी जो चार त्रिकोण है वो शिवात्मक है। चतुर्भिः श्री कंठैः पंच भैरवैः शिवयोनिभिः, जो नीचे के मुख्य ये त्रिकोण है इच्छा ज्ञान क्रिया और शांता स्वरूपा जो है, वो जो ऊपर की ओर मुख्य हुए चार त्रिकोण है इच्छा ज्ञान क्रिया और शांता स्वरूपा जो चार त्रिकोण है शिव स्वरूप है, शिवात्मक है। और जो पांच अधोमुखी त्रिकोण जो वामा ज्येष्ठा रौद्री अंबिका और पराशक्ति स्वरूप है, वो त्रिकोण जो है वो आपके शक्ति स्वरूप है। और यह जो नव यान्यात्मक नव योनिया, इनको नव योनिया कहा जाता है, यह जो नव यान्यात्मक श्री चक्र है ये उस भगवती का स्वरूप है। श्री चक्र में तीन वृत्त भी दिखाई देते हैं, वह त्रिवृत्त कौन है, वह रक्त शुक्ल और मिश्र बिंदु के प्रतीक है। तो नव योनिया जो है शिव त्रिकोण और शक्ति त्रिकोण का प्रतीक है, और रक्त शुक्ल और मिश्र बिंदु जो है वो आपके मूल रूप से त्रिवृत्त रूप में विराजमान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो श्रीयंत्र है यह भी अहम प्रत्यमर्श ही है, और अहम प्रत्यमर्श होने से जो श्रीयंत्र की साधना है, चरमे जन्मनि सागकः श्री विद्योपासको भवेत् सहस्रनाम पाठश्च तथा चरम जन्मनि, जो अंतिम जन्म की जब साधना होती है तब श्री यंत्र की साधना करने का साधक को अवसर प्राप्त होता है। चरम जन्म चरमे जन्मनि सागकः श्री विद्योपासको भवेत्, ये अंतिम जन्म की साधना है। और आपको बताना चाहेंगे शैव शाक्त वैष्णव गाणक और ऐसा कोई आचार्य नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु लीजिए, वल्लभाचार्य लीजिए, रामानंद लीजिए, रामानुज, सबने इनकी साधना की है। रामानुज के विशिष्टाद्वैत संप्रदाय में जो परात्पर ब्रह्म राम है उनकी शक्ति श्री है, उनकी शक्ति श्री है, और जो उनके मंत्र हैं वो विशुद्ध, और जो उनकी साधना में भूत शुद्धि मातृका नाथ इत्या मातृका न्यास इत्यादि जो शैव मत के जो सिद्धांत हैं उन्हीं पर वो पूरी साधना आधारित है। भूत शुद्धि क्या है, विशुद्ध कामकला साधना है। कुंडलिनी जागरण गंधर्व तंत्र में कहा गया है जो कुंडलिनी है वह कामकला ही है, और है भी क्योंकि वो शक्ति है, और विसर्ग भूमि में जाकर जब शिव से वो एक हो जाती है तो अहम प्रत्यमर्श होता है। तो जहां शिव शक्ति का सामरस्य हो गया वहां कामकला तो है ही। तो ऐसा कोई आचार्य हुआ ही नहीं जिसने श्री विद्या की साधना न की हो और सिद्ध हो। तो अब फिर पूजा तक पूजा संकेत या पूजा निरूपण किया है जो कि पूजा संकेत है। यहां पर कहा गया है परावाक स्वरूपा भगवती के दो प्रकार की गतियां हैं, एक पाद विक्षेप है दूसरा कर्मोदय है। पाद विक्षेप यानी भगवती के पाद प्रहार से, मतलब वो अपने पैर से प्रहार करती हैं तो उनसे उनके पैर से जो किरणें निकलती हैं, उनके पाद विक्षेप उनके पैर से जो किरणें निकलती हैं उससे नाना प्रकार के अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। ये तो पाद विक्षेप की बात हुई। फिर कर्मोदय की बात आती है। कर्मोदय की जो बात होती है वो भी दो प्रकार का, तो कर्मोदय में ओघ त्रय और नवावरण देवताओं की बात होती है। तो भगवती अपने चरण युगलों से, भगवती के जो चरण युगल हैं बिंदु स्वरूप जब सगुण स्वरूपा भगवती हो गई हैं तो उनके चरण युगल से ओघ त्रय और नव आवरण के देवता जो थे आवरण नवो आवरण के जो देवता है उनकी उत्पत्ति होती है। जो सर्वानंदमय बिंदु चक्र है यह विसर्ग भूमि है, विसर्ग भूमि का यह स्थूल स्वरूप है। तो और यहाँ पे इस विसर्ग भूमि में भगवती सदा भगवान कामेश्वर के वामांत में सदा अविना भाव से विराजमान है। आपको बताना चाहेंगे एक चिद्विलास नाम का ग्रंथ है, यह भी मूल रूप से कश्मीर का ही है। इस ग्रंथ में अब एक बहुत बहस चलती है परिणामवाद और विवर्तवाद के बारे में के ऊपर। आपको यह कहना चाहेंगे कि ब्रह्मरंध्र से ऊपर जैसे विमर्श भूमि में प्रवेश होता है, विमर्श भूमि में विसर्ग भूमि में साधक का प्रवेश होता है तो वहां पे परिणाम समाप्त हो जाता है, सब कुछ विवर्त हो जाता है, जितना भी बाह्य प्रपंच है सब समाप्त होकर विसर्ग में ही विलीन हो जाता है। उस विसर्ग भूमि में भगवती की साधना होती है, वह समयाचारी साधना होती है। तो उस अवस्था में भी भगवती श्री कामेश्वर के वामांक में विराजमान है, यानी कि सगुण ना होते हुए निर्गुण होते हुए भी जो भगवती है वो सतत कामेश्वर के, वो कामेश्वरी कामेश्वर में ही लीन है। यह निदान स्थूल रूप में इस प्रकार से ले रहे हो लेकिन विसर्ग भूमि में भी वही स्वरूप अवस्था है। और जो हमारे, क्योंकि हमारे कहा गया है कि गुरु मंत्र देवता में ऐक्य होता है, इनमें कोई भेद नहीं होता, तो यह बताना चाहेंगे कि विसर्ग भूमि में जो कामेश्वर कामेश्वरी कामेश्वरी कामेश्वर के
अंक में विराजमान है वो गुरुनाथ की है, वो कामेश्वर स्वयं गुरुनाथ श्री गुरुनाथ है, हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं, और जो शक्ति है वो भयं स्वयं भगवती शक्ति है। तो गुरुदेव अगर गृहस्थ है तो उनकी शक्ति, अन्यथा जो भगवती शक्ति जिनकी आराधना करते हैं वह गुरुदेव के साथ सामरस्य रूप से विराजमान है। और यह कामेश्वर ही हमारे आदि गुरु तो और कामेश्वर ही हमारी शक्ति है। अब भगवती के स्वरूप का भी वर्णन कामकला विलास में किया गया है और वहां पे कहा गया है कि भगवती के जो चार हाथ बताए गए हैं उसे पांच पांच इच्छा शक्ति का, अंकुश ज्ञान शक्ति का, धनुष बाण समष्टि रूप से क्रिया शक्ति का है, और पंच तन्मात्राएं जो है पांच बाण का स्वरूप है। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि जो पाश है वो इच्छा शक्ति है, अंकुश ज्ञान शक्ति है, जो धनुष बाण क्रिया शक्ति है, जिनमें जो पांच बाण उन्होंने पकड़े हुए हैं हाथ में, उन्होंने धारण किए हुए हैं, वो पांच तन्मात्राएं हैं। और जो धनुष है वो मनु मनोरूपेक्ष को दंड पंच तन्मात्र सहायकः निजारुण प्रभारम, इस प्रकार से आपका ललिता शास्त्र नाम में आया है। इसके बाद गुरु तत्व का निरूपण किया गया है। जैसा हम कह चुके हैं कि भगवती आदि गुरु परम शिव से अभिन्न है, और जो बिंदु स्थान है उसमें स्वयं कामेश्वरी जो है कामेश्वर के शिष्य स्वरूप विराजमान है। यहाँ पे भगवती, यहाँ स्वयं भगवती स्वयं शिष्या है और कामेश्वर स्वयं शिष्य रूप में विराजमान है। तो आप देखिए कि जैसे जितने शैवागम है उसमें सिद्धांत यही है कि शिव के मुख से उद्भूत हुआ है और शक्ति के कान में वो प्रवेश होता है, यही आगम की परिभाषा है। और उसके बाद ये जो है ऊर्ध्व त्रिकोण जो है वो ऊर्ध्व बिंदु है कामरूप, वो आपका कामरूप बीज स्वरूप है, और वहां पे ऊर्ध्व देवनाथ हैं जो कि त्रेतायुग के गुरु हैं, कामेश्वरी शक्ति सहित विराजमान हैं। दक्षिण कोण में जालंधर पीठ के षष्ठ देवनाथ हैं, वज्रेश्वरी सहित विराजमान हैं। ये आपके जालंधर पीठ का स्वरूप है। और तीसरा जो है मित्र देवनाथ जो है भगमालिनी सहित विराजमान है, ये आपके शक्ति बीज के अधिष्ठाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो त्रिकोण है, त्रिकोण के एक एक कोण पे त्रेता द्वापर और कलयुग के जो आचार्य हैं, ये कामराज वाघव और शक्तिकूट, कामराज वाघव और शक्तिकूट के अधिष्ठाता देवता के रूप में विराजमान है। और इन्हीं के प्रभाव से जो बिंदु स्वरूप में भगवती पर महापरमेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी कामेश्वर के साथ, कामेश्वर को काम शुद्ध ध्वा के काम में आकर्षित करके उनकी शिवता के प्रति जागृत करके जो विराजमान है, वह भगवती इन मंत्रों द्वारा आगे फिर अपने श्री चक्र को पूरा अपना विस्तृत करती हैं, उसकी सृष्टि करती हैं। और यही हमारे श्री विद्या का मूल सिद्धांत भी है। और इस कारण से, क्योंकि बिंदु में भगवती स्वयं विराजमान है इस प्रकार से, तो इसलिए भगवती जो है श्री जो बैंदव है बिंदु है वो श्री चक्र का प्राण है, और त्रिकोण में भगवती ओघत्रय रूप में अवतरित हुई हैं। यहाँ पर दिव्यों के सात बताए गए हैं, सिद्धों के चार बताए गए हैं, मानवों के आठ बताए गए हैं। भगवती ने अपने इस सिद्धांत को अवतरित कराने को, संसार में प्रवर्तित करने के लिए इन ओघत्रयों की उत्पत्ति की गई है जिनको त्रिकोण में स्थान दिया है, और इन्हीं से श्री विद्या साधना की 12 संतानें प्रवर्तित हुई हैं, जिनमें वर्तमान में कामराज संतान सर्वाधिक प्रचलित है, और कुछ क्षेत्रों में हादिक्रम यानी लोपा मुद्रा संतान भी प्रचलित है। इतना कहने के उपरांत जो कहा गया है इस ग्रंथ के बारे में, इत्यादि जिज्ञासा वरारोहे सज्जा खेचरताम व्रजेत, इसके बारे में जो जान जाता है उसको खेचरी साम्य की सिद्धि हो जाती है। अब दो विषय और बहुत छोटे छोटे बचते हैं, जो काम ये जो कामकला विलास है इसके इतिहास के बारे में अगर हम थोड़ा सा प्रकाश डालें, तो जो कामकला विलास जो है इसके संदर्भ बहुत से लोगों का तात्पर्य, बहुत से विद्वान ये कहते हैं छठी सातवीं शताब्दी में त्रिकमत का उद्भव हुआ, आठवीं नौवीं शताब्दी पूर्ण रूप से, ये एकदम गलत बात है, नितांत रूप से गलत है। यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि जो त्रिकमत है यह तो अनादिकाल का मत है, यह कोई आज का और कल का मत नहीं है। समस्या यह है कि पूर्ण ग्रंथ प्राप्त नहीं होते और अन्यत्र अध्ययन नहीं है। त्रिकमत के तो सिद्धांत आदि शंकराचार्य जो हैं, जिनकी उत्पत्ति सातवीं शताब्दी की मानी गई है,
अपने बाल्यकाल में भगवती मूकाम्बिका के मंदिर में गए थे, तो उन्होंने वहां पे उनकी स्तुति में कहा है, तेन प्रत्यभिज्ञा मत पार विग्रह, मत पार विज्ञा माने वो प्रत्यभिज्ञा मत के पार विज्ञ आपके पाठक थे प्राचीन काल में, अनादि काल में, यानी कि दक्षिण भारत में आदि शंकराचार्य से भी प्राचीन काल में प्रत्यभिज्ञा मत की साधना रही है। मत्स्येंद्रनाथ, उन्होंने काम कला तत्व की ही बात करें तो आदि शंकराचार्य जी ने सौंदर्य रहने में काम कला तत्व का बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। मत्स्येंद्रनाथ जी ने काम कला तत्व का वर्णन कौल ज्ञान निर्णय में किया है। और तो और काम कला विलास के ऊपर नटानंद नाथ जी ने चिदवल्ली नाम की व्याख्या लिखी है, उस व्याख्या में उन्होंने छांदोग्य इत्यादि उपनिषदों से विस्तृत प्रमाण दिए हैं। यहाँ इससे यह सिद्ध होता है कि वैदिक साहित्य में भी काम कला तत्वों का बड़ा विशद वर्णन है। वहां उन्होंने श्रुतियां भी दी हैं कि इकार का किस प्रकार से वेदों में यतोवा इमानी भूतानी जायन्ते भृगुवल्ली उपनिषद, और भी आपको बताना चाहेंगे कि अथर्ववेद के दशम कांड में एक सूक्त है पूर्ण, जिसमें श्री चक्र का वर्णन है, स्पष्ट रूप से वर्णन है इसका। लक्ष्मीधर इत्यादि ने इसके मंत्रों का और अन्यत्र अन्य विद्वानों ने भी इसके मंत्रों का विस्तृत प्रयोग किया है। और हमारा जो ये मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनु जो हुए उनके पुत्र हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा हुए। इक्ष्वाकु जो थे उनको महर्षि दुर्वासा ने श्री विद्या की दीक्षा दी, और एक ग्रंथ सौभाग्य चिंतामणि, यहाँ तक मुझे नाम आ रहा है, याद आ रहा है, सौभाग्य चिंतामणि ग्रंथ का उपदेश दिया। दक्षिण में या जो श्री विद्या साधना जो सबसे प्रधानतम केंद्र है, श्री कांची कामकोटी पीठ, वहां पर जो साधना है उसी के आधार पर, और गर्भगृह के सामने जो भगवती का श्री के गर्भगृह के सामने वहां पर दुर्वासा ऋषि का विग्रह स्थापित है, ऐसा कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य अयोध्या से वहां गया। इसी प्रकार से श्री माता श्री महारागी श्रीमत सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड समुदा देव कार्य समुद्यता, तो जो श्री विद्या श्री माता श्री महारागी जो दूसरा ही नाम ललिता सहस्रनाम में भगवती का बताया गया, ललिता सहस्रनाम मूल रूप से आपका पौराणिक आपका ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान में आया है, वहां पे बताया श्री माता श्री महारागी दूसरा ही नाम है, श्री महारागी यानी भगवती जो महारागी है तो स्वयं श्री विद्या ही तो है। श्री महारागी महात्म में भी यह बताया गया है कि रावण के राजप्रासाद में भगवती निवास था, उसके कारण रावण की सतोदय होता रहता था, सर्वदा उसका सौभाग्योदय होता रहता था, लेकिन उसके कुकृत्यों से भगवती इतना ज्यादा दुष्ट हुई कि उन्होंने लंका का त्याग करके आकर के आपका श्रीनगर में अपना अधिष्ठान बनाया है। तो इन सब सिद्धांतों से यह पता चलता है कि यह जो कामकला की साधना है, कामकला विलास है, यह अहम प्रत्ययमर्ष है, यह अत्यंत प्राचीन है। अब अगर इसकी साधना की हम बात करें कि वर्तमान युग में एक साधक कैसे साधना करे, क्योंकि ये जो ऊपर व्यक्ति बातें कही गई है यह तो सिद्ध साधकों के लिए है, तो एक उदाहरण से इस बात को समझाना चाहूंगा। आप कल्पना कीजिए कि आप एक बालक हैं और अपनी माता के साथ भ्रमण कर रहे हैं। जब आप अपनी माता के साथ भ्रमण कर रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप किसी छोटे बालक हैं तो आप खिड़की के बाहर बैठेंगे, माँ आपके बगल में बैठी है, आप खिड़की के बाहर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उनके पर वृक्ष इत्यादि आच्छादित हैं, नदियां बह रही हैं, तालाब है, तालाब में खूब सारे आपके कमल इत्यादि कुमुदिनी इत्यादि नाना प्रकार के आपके फूल उगे हुए हैं, सारा हंस इत्यादि उसमें तैर रहे हैं, नाना प्रकार के आपके हिरण इत्यादि वन्य जीव वहां पे हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ कुछ छोटी छोटी बत्तियां भी हैं, यह सब दृश्य देख करके आपका हृदय एकदम आह्लादित है। तभी आपकी दृष्टि अपनी माँ की तरफ जाती है और आप देखते हैं माँ की कुर्सी खाली पड़ी हुई है और आप एकदम व्याकुल हो उठते हैं। आप एक छोटे से बालक हैं, आपकी माँ पता नहीं कहाँ चली गई। अब इस अवस्था में आप क्या करें, वही वातावरण, वही बारिश हो रही है, वही पहाड़ है, उसके ऊपर वही वृक्ष आच्छादित हैं, सर्व ऋतु उसमें पुष्प लगे हुए हैं, तालाब है, तालाब में कमल कुमुदिनी इत्यादि खिले हुए हैं, तारस हंस इत्यादि उसमें तैर रहे हैं, वही नदियां बह रही, वही ग्राम इत्यादि सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अब सब कुछ विश्व स्वरूप हो गया आपके लिए। अब आपके लिए इन सब ये सब एकदम निष्प्रयोज्य है क्योंकि आपकी माँ वहां पर नहीं। आप इधर उधर कातर रूप से उनको ढूंढना शुरू करते हैं, आपके प्राण अटक गए, ऐसा लगता है कि प्राण ही चले जाएंगे, अब क्या करें। तभी आपकी दृष्टि पड़ती है कि आपकी माँ चली आ रही हैं और आप उनसे लिपट जाते हैं। तो मूल रूप से इस प्रकार का जो आकर्षण इस संसार में रहते हुए
भगवती के प्रति जिसके अंदर आ जाएगा तो समझिए कि उसी को कामकला की सिद्धि है, और यही कामकला की मूल साधना है। धन्यवाद। बड़े विस्तार से, बड़े सरल ढंग से मेरे भाई गिरिरत्न जी ने प्रकाश डाला है, और स्वयं माता त्रिपुर सुंदरी की इच्छा से ये कार्य संपन्न हुआ, ये व्याख्यान बिना किसी विघ्न के संपन्न हुआ। ये हम उस माता का, विमर्शनी शक्ति का कल्याण समझते हैं हमारे ऊपर, नहीं तो हमारी शक्ति क्या कि हम उसे सुने और कोई बोल सके। तो ये जो मेरे भाई गिरिरत्न जी ने आपके समक्ष विचार रखे, और बड़ी, मैं कहूंगा, चेतना के साथ, बड़ी यत्न के साथ, और बड़े सुलभता के साथ भी मैं कहूंगा उन्होंने हमारे समक्ष ये विचार रखा। और त्रिक जो हमारे कश्मीर का एक बहुत बड़ी चेतना का संचार करता रहा, लोगों ने 10वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी उस पर उन्होंने पर्दा उठा लिया, उसने कहा कि ये प्राचीन है, और किस प्रकार से प्रकाश और विमर्श की जो कल्पना रही है ये द्वैत से होते हुए अद्वैत की तरफ गई है, मतलब इसकी श्रृंखलाएं हैं। जो लोग इसे बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में, भागों में समझते हैं, उसे समझ नहीं सकते। इसे एक कॉन्टिन्यूटी में, एक लगातार, एक हम प्रवाह में जब समझेंगे, जैसे इन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की बात की कि उनको भी प्रतिभिज्ञा का जो पीछे वर्णन मिला, काफी पुराना मिला दक्षिण में, और उसके बाद हमारे कश्मीर मंडल में किस प्रकार से माता रागिनिया का प्रादुर्भाव हुआ, किस तरह से उनकी प्रतिष्ठा हुई, मतलब इस पर अगर शोध हो, इच्छा रही भगवती की, तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो आगमों का निर्णय है, आगमों का चिंतन है, कितना विस्तार से पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। ये चेतना से भी परे है, हमारे जो हमारी ज्ञान चक्षुओं से भी परे है। इस विषय पर आज अपनी बात रखने के लिए भाई गिरिरत्न जी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े, हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में इससे एक दिशा दर्शन लेते हुए, जो लोग शोध भी कर रहे हैं, अगर वो शोध की दृष्टि से देख रहे हैं तो उन्हें सही दिशा मिले, और जो लोग साधना की दृष्टि से देखते हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें क्या है। और बिल्कुल सही कहा, रहस्यवाद है, कुछ बातें हम यहाँ नहीं कर सकते, सांकेतिक है, सांकेतिक करनी भी चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि इसकी एक परंपरा है, एक कड़ी है, जिसके अंतर्गत जिन्हें हम कहते हैं डूज एंड डोंट्स अंग्रेजी में, उनको पालन करना चाहिए। और हमारे समक्ष इतना ज्ञान नहीं कहेंगे हम, ये चेतना है, ये इंटेलेक्ट की बात नहीं है, ये माइंड से परे की बात है। जैसे महर्षि अरविंद कहते थे, इंटेलेक्ट इंफीरियर होता, उसके बाद तो सिर्फ शक्तिपात से ही काम हो सकता है। अगर विमर्शनी शक्ति का कल्याण हो तो क्षण भर में आप सदियों का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, नहीं हो तो आप कहीं जन्म भी ले लें तो वो आपके समक्ष प्रकट नहीं होती। और इस कामकला विलास की व्याख्या करने के लिए, एक पक्ष रखने के लिए, ताकि ये जागृति फैले कि कश्मीर के जो मनीषी हुए, अभिनव गुप्त की भी बात की उन्होंने, त्रिपुर सुंदरी रहस्य के प्रति जो थोड़ी चेतना जगी है, ये बिल्कुल भगवती की कृपा, भैरव की कृपा से हुआ है। गिरिरत्न जी, आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। आप पर माता त्रिपुर सुंदरी का हमेशा कल्याण रहे। वो आपकी इच्छाएं, जो आपने एक बड़ा बार उठाया, हम देख रहे हैं बिल्कुल एक, मतलब भक्त की तरह आप लगे हुए हैं, वो आप पर इसी तरह का ह्यूमिलिटी बनाए रखें, आपका कल्याण करें, हम सबका कल्याण करें, हमारी चेतना को जागृत करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।